अहीर रेजिमेंट की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। संसद में आज शून्यकाल के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को उठाते हुए कहा कि यदुवंशी समाज का हल और हथियार से पुराना नाता है और इसके शौर्य का इतिहास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राव तुलाराम से लेकर रेजांगला और कारगिल तक जब जब देश पर कोई आक्रमण हुआ है तब तब जय यादव जय माधव का नारा गूंजा है। दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में कहा कि अहिरवाल का इलाका उनका अपना इलाका है, वो स्वयं करीबन 17 वर्ष से सांसद है और ऐसा कोई महीना नहीं बीतता जब देश की सीमाओं से अहिरवाल के इलाकों में शहीदों के शव नहीं आते हो। उन्होंने मांग करी है कि अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। उन्होंने दिल्ली के डाबर क्षेत्र और दक्षिण हरियाणा से लेकर पूर्वी उत्तरी राजस्थान तक फैले अहिरवाल क्षेत्र का परिचय सदन के सामने रखते हुए कहा कि देशभक्त इलाके अहिरवाल के कोने कोने में जय जवान जय किसान का नारा गूंजता है। इतिहास बताता है कि 1398 में तैमूर के आक्रमण के समय दुर्जन साल सिंह व जगराम सिंह जैसे वीर योद्धाओं की वीरता से आक्रमणकारियों का सामना किया गया। 1739 में नदिया शाह के आक्रमण के समय रेवाड़ी नरेश राव बालकिशन के नेतृत्व में 5000 अहिर भाइयों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। इसी प्रकार 1857 की क्रांति में अहिरवाल नरेश राव तुलाराम और अहिर भाइयों की शौर्य गाथा को कौन नहीं जानता। दीपेंद्र हुड्डा ने इस बहादुर कौम का इतिहास सदन को बताते हुए कहा कि ब्रिटिश फौज ने फौज में अहिर भाइयों की भर्ती पर रोक लगाई, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दोबारा अहिर भाइयों को याद किया गया और 19,500 अहिर भाइयों की भर्ती की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में 39,000 अहिर सैनिकों की भर्ती की गई। विक्टोरिया कोर्स तोपखाने में अकेले हवलदार उमर राव सिंह का शौर्य आज याद किया जाता है। इस देशभक्त कौम ने 1940 में सिंगापुर में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA ने भारी संख्या में अहिर सैनिकों की भर्ती की। आज़ादी के बाद का इतिहास देखा जाए तो 1947-48 में कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण को रोकते हुए 1962 में रेजांगला की लड़ाई में 120 अहिर सैनिकों ने 5000 से ज़्यादा चीनी सैनिकों से मोर्चा लिया और चुसुल एयरपोर्ट को दुश्मन के कब्जे से बचाने का काम किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में या 1999 में कारगिल युद्ध में अहिर भाइयों ने अनेकों परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र हासिल किए हैं। और ये अहिरवाल क्षेत्र, इस क्षेत्र में कन कन में कोने कोने में इस क्षेत्र में जय जवान जय किसान का नारा अगर गूंजता है कहीं प्रतीक है तो अहिरवाल क्षेत्र है, देशभक्त ये इलाका है। अब जब देश पे कोई हमला हुआ आक्रमण हुआ जय 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 यादव जय माधव का नारा गूंजा, अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए।